पृष्ठांकन का भी अपने आप में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि हमने देखा कि जेएफ के अंतर्गत जब हम जनरल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो खाता बही में कहाँ से हमने वो जनरल पोस्टिंग लाई है, किस पेज नंबर में वो जनरल है जिसके आधार पर हम लेजर कर रहे हैं, वो नंबर हम अंकित कर देते हैं। वैसे ही जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर का जो नंबर है कि कहाँ पर हमने लेजर बनाया है उस जनरल का, वो एंट्री हम जनरल में जाकर कर देते हैं। तो ये जो पृष्ठांकन होता है, पृष्ठों की संख्या को हम अंकित करते हैं, इससे हम भविष्य में आगे चलकर बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये हमने जो लेजर पोस्टिंग की है ये किस जनरल की है, किस पेज पे इसका जनरल है, या फिर किस जनरल की हमने किस पेज पर लेजर पोस्टिंग की है। तो पृष्ठांकन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लाभ की अगर हम बात करें पृष्ठांकन की, तो हम देखते हैं कि किस पृष्ठ में खतौनी की गई है ये पता चल जाता है। राशियों का अगर मिलान करना है जनरल से लेजर में लाते लाते, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। कई बार हम ऐसा करते हैं कैलकुलेशन में कि एक आध जीरो गायब कर देते हैं या कुछ नंबर आगे पीछे कर देते, तो इस तरह की अगर कोई त्रुटि होती है तो राशियों का मिलान करने के लिए ये जो पृष्ठांकन संख्या है वो हमको काम में आती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बैलेंस जब हमको पता लगाना होता है तो पृष्ठ संख्या के आधार पर बहुत आसानी से हम खाता पृष्ठ को ढूंढ लेते हैं और उनका जो शेष है वो ज्ञात कर लेते हैं। निम्नलिखित जनरल के आधार पर खाता बही में खतौनी करिए। 2010 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपए से। 2 जनवरी नगद माल खरीदा 5,000 रुपए से। 3 जनवरी पारस को माल बेचा 1,000 रुपए से। 4 जनवरी डाक व्यय चुकाए 15 रुपए। 5 जनवरी विकास को भुगतान किया 1,000 रुपए। 10 जनवरी नगद माल बेचा 200 रुपए। 15 जनवरी उधार माल खरीदा प्रदीप से 110 रुपए। यहाँ पहले हम इन सभी व्यवहारों की पंजी प्रविष्टियां करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका खाता बही यानी कि लेजर बनाएंगे। सबसे पहले जब हम 1 जनवरी की पंजी प्रविष्टि करते हैं तो जैसे कि हमने पंजी प्रविष्टि वाले अध्याय में देखा, जब भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं माल या फिर रोकड़ से करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रोकड़ 10,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया गया है, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 2 जनवरी क्योंकि माल खरीदा गया है, नगद माल खरीदा गया है, तो यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब भी हम नगद माल खरीदते हैं माल हमारे पास आता है इसलिए परचेस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, और नगद माल खरीदते समय पैसा हमारे पास से जाता है इसलिए गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और अमाउंट यहाँ पर 5,000 हो जाएगी। 3 जनवरी को हम यहाँ पर देख रहे हैं पारस को माल बेचा। अब क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये उधार माल बेचा गया है, पारस को बेचा गया है, तो यहाँ पर क्योंकि पारस प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि जब भी हम माल बेचेंगे तो माल हमारे पास से जाएगा इसलिए हम गुड्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लेकिन स्पष्ट हो सके कि वो कौन सा गुड्स है, परचेस वाला या सेल वाला, इसके लिए हम परचेस या सेल इस तरह से वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी पारस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 4 जनवरी को डाक व्यय का भुगतान, पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया गया है। अब क्योंकि एक प्रकार का व्यय है और व्यय हमेशा डेबिट होता है, और जब भी हम व्यय करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, और कैश जब भी जाए व्यापार से तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 15 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 5 जनवरी के विकास को भुगतान किया। अब यहाँ पर विकास क्योंकि पाने वाला है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग विकास को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और जब विकास पाने वाला है यानी कि हमारे पास से कैश जा रहा है हम उसको पे कर रहे हैं, तो हमारी फर्म से कैश जा रही है इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 1,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 जनवरी को नगद माल बेचा गया है 200 रुपए का, तो जब भी हम नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास व्यापार में कैश आएगी, और कैश अगर आती है तो डेबिट होता है, तो यहाँ हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और माल हमने बेचा तो माल हमारे पास से गया इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
यानी हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 15th जनवरी को एंट्री है उधार माल खरीदा प्रदीप से। एक तो उधार स्पष्ट लिखा हुआ है, व्यक्ति का नाम भी दिया है, तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ रहा है कि उधार माल हमने खरीदा है, परचेस किया है। यहाँ पर जब भी हम माल खरीदेंगे, जब भी हम परचेस करेंगे, चाहे हम उधार खरीदें या हम नगद खरीदें, माल हमारे पास आता है, इसलिए हम परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। और कहाँ से आता है, प्रदीप के पास से हम खरीद रहे हैं, नगद हम नहीं खरीद रहे हैं, तो प्रदीप के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट और 110 से इसकी एंट्री करेंगे। इस पूरी जनरल एंट्री में हम शॉर्ट में नरेशन भी लिखते चलेंगे। और अब ये जो जनरल एंट्री है हमारा, ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है और हम इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल जो है वो दोनों साइड का 17,325 आता है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर जो आवश्यक खाते हमको दिखाई देते हैं वो हम बना लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कैश जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो हम यहाँ कैश अकाउंट बना सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, परचेस अकाउंट बना सकते हैं, सेल्स अकाउंट भी हम बना सकते हैं, फिर हम पारस का अकाउंट बना सकते हैं, पोस्टेज अकाउंट भी बना सकते हैं, विकास का अकाउंट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट हमारे लेजर यहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहले जब हम लेजर में कैश अकाउंट बनाएंगे, तो लेजर का हमने वीडियो में जो फॉर्मेट देखा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक लेजर का फॉर्मेट बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसमें एंट्री करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरी जो हमने एंट्रीज की है जनरल की, उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कैश कहाँ कहाँ पे प्रभावित हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसमें लेजर में पोस्टिंग करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमने कैश अकाउंट बनाया तो उसके दो पक्ष हुए, एक डेबिट जो कि हमको यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड में दिख रहा है और राइट साइड का जो हिस्सा है वो है क्रेडिट, यानी डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट तक का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो डेबिट का पोर्शन है और उसके बाद फिर से डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट का राइट साइड का जो हिस्सा हुआ वो क्रेडिट है। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमको देखना है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उस पे हमको फोकस करना है। तो हम बना रहे हैं कैश अकाउंट और फर्स्ट एंट्री में हमारी एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर हमको क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए लेजर के कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमको अपोजिट एंट्री, यानी कि उसके साथ जो अपोजिट यानी क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट हमको यहाँ पर, उसकी एंट्री हमको यहाँ पर करनी है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम डेट डालेंगे और लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 10,000। इसके बाद हम देखेंगे कि कैश और कहां प्रभावित हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री के बाद कैश सेकेंड एंट्री में प्रभावित हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 5,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4th जनवरी को फिर से कैश प्रभावित हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, पे क्रेडिट हो रहा है। तो हम अपने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट लिखेंगे और 15 रुपीज से हम उसकी एंट्री कर देंगे। 15 जनवरी में भी कैश प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर भी कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर बाय विकास अकाउंट लिखेंगे और 1,000 से उसकी एंट्री कर देंगे। 10th जनवरी को हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और 200 से हम उसकी एंट्री करेंगे। फिर 15th जनवरी को हम देख रहे हैं कि कैश कहीं पर प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अब कैश की कोई भी प्रविष्टि यहाँ पर नहीं आएगी और कैश अकाउंट को हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले भी देखा, जनरल चैप्टर में भी हमने देखा था कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि जितना कैश उसके पास रहता है रोकड़िए के पास उतना ही वो खर्च करता है। तो यहाँ पर हमको क्योंकि अब बैलेंस निकालना है तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 10,200 और इस 10,200 में से क्रेडिट के टोटल को
हम माइनस करते जाएंगे, यानी कि इसमें हम टोटल 5000 प्लस 15 प्लस 1000 यानी कि 6015 को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 4185, जिसको कि हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन करके 4115 से इसकी एंट्री करेंगे और टोटल 10200 से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट भी प्रभावित हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट की एंट्री किस प्रकार हुई है, इस फिर से हम इस जनरल एंट्री पे एक नजर डालें तो हम देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये हमने फॉर्मेट देखा कैपिटल अकाउंट का, यहाँ हम एंट्री में देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डेट डालेंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि इससे रिलेटेड जो अपोजिट एंट्री होती है उसी को हम लिखते हैं। अगर वो डेबिट साइड में आ रहा है तो टू लिखेंगे और अगर वो क्रेडिट साइड में आ रहा है तो बाय यूज करते हैं। तो हम 1 जनवरी डालेंगे क्रेडिट साइड में, और क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 10,000 से इसकी एंट्री करेंगे। पूरे प्रश्न में और कहीं पे भी कैपिटल प्रभावित नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं परचेस अकाउंट कहाँ पे प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ 2 जनवरी को परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में पहले तो डेट डालेंगे और फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5000 से इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 15 जनवरी को कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो 15 जनवरी हम यहाँ पर डेट डालेंगे और क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रदीप अकाउंट इस प्रकार से लिख के 110 अमाउंट डाल के इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जनवरी में पारस का अकाउंट हमने खोला है, पारस का अकाउंट भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जनरल एंट्री में हम देख रहे हैं कि एंट्री हमारी हो रही है पारस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो पारस के अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे और 1000 से इसकी एंट्री करके बंद कर दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ उस कंडीशन पे काम कर रहे हैं जबकि हमको सिर्फ खाता बही में खतौनी करनी है, शेष नहीं निकालना है। कैश का हमने शेष इसलिए निकाला कि हमको ये पता होना चाहिए कि कैश कितना बैलेंस है हमारे पास। नेक्स्ट जब हम खाता बही को बंद करने के बाद शेष निकालना भी सीखेंगे तब हम इन सारे अकाउंट्स का शेष भी निकालते चलेंगे। तो अब इस थर्ड एंट्री में हम देख रहे हैं कि सेल्स अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री हुई है उसके अकॉर्डिंग पारस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ है, यानी कि सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डेट डालेंगे 3 जनवरी और वहां हम इसके अपोजिट पोस्टिंग करेंगे यानी कि बाय पारस अकाउंट और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद हम अपने जनरल में देख रहे हैं कि सीधे 10 जनवरी को जो सेल्स अकाउंट है वो प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर जनरल एंट्री हो रही है 10 जनवरी की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है कि एक पोस्टेज एक्सपेंसेस हुआ है 4 जनवरी को, जिसकी एंट्री हमने की है पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पोस्टेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम डेट डालेंगे क्योंकि पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और हमको बनाना है पोस्टेज अकाउंट, तो पोस्टेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट 15 रुपीज। 5 जनवरी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास का खाता प्रभावित हो रहा है तो हम एक विकास का खाता भी बना सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ हमारी जनरल एंट्री है विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं विकास के अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद 15 जनवरी को हम देख रहे हैं कि प्रदीप का भी खाता प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर प्रदीप से क्योंकि उधार माल खरीदा गया है तो हमारी जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट, तो प्रदीप अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो प्रदीप के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 110 से इसको हम क्लोज कर देंगे। मेसर्स मोहित ट्रेडर्स के लिए रोज नामचे में प्रविष्टियां कर खाता बही में खतौनी कीजिए 2017 अगस्त।
एक अगस्त रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 1,10,000। 2 अगस्त HDFC बैंक में खाता खोला 50,000। 3 अगस्त फर्नीचर खरीदा 20,000। 7 अगस्त रूपा ट्रेडर्स से माल नगद खरीदा 30,000। 8 अगस्त हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा 42,000। 10 अगस्त रोकड़ माल बेचा 30,000। 14 अगस्त मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा 12,000। 16 अगस्त किराए का भुगतान किया 4,000। 18 अगस्त व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया 1,000। 20 अगस्त गुप्ता ट्रेडर से नगद प्राप्त किया 12,000। 22 अगस्त हेमा ट्रेडर्स का खरीदा माल वापस किया 2,000। 23 अगस्त हेमा ट्रेडर्स को नगद भुगतान किया 40,000। 25 अगस्त डाक टिकट खरीदी 100 रुपए। 30 अगस्त ऋषभ को वेतन दिया 4,000। यहाँ पर क्योंकि हमको पहले रोजनामचे की प्रविष्टियां करनी है, जनरल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे और उसके बाद जो आवश्यक खाते होंगे वो हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर व्यापार आरंभ करने की पंजी प्रविष्टि हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1,10,000 से। सेकेंड दूसरी एंट्री 2 अगस्त की हो जाएगी बैंक में खाता खोला। इसका मतलब है कि बैंक में हमने पैसे जमा किए, तो नॉर्मल यहाँ पर बैंक में पैसे जमा करने की जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विद HDFC 15,000 से इसकी एंट्री होगी। थर्ड एंट्री 3 अगस्त की जो है फर्नीचर एक खरीदा गया है। फर्नीचर क्योंकि फिक्स एसेट्स है, डेबिट में हम इसको लिखते हैं और जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रही है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। 7 अगस्त को रूपा ट्रेडर से माल खरीदा है, यहाँ पर स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि नगद माल खरीदा है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8 अगस्त को हेमा ट्रेडर से माल खरीदा है 42,000 रुपए का, तो इसमें क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उधार माल खरीदा है क्योंकि नाम लिखा हुआ है और नगद के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं दी गई है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स। उसके बाद नगद माल बेचा है, तो नगद माल बेचने की एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 से। गुप्ता ट्रेडर्स को माल बेचा है, तो क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुप्ता ट्रेडर्स को माल बेचा, नगद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मिसेस गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेंट पे किया है, तो रेंट क्योंकि एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है और जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, इसलिए उस कंडीशन में कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड इन कैश। नेक्स्ट 18 अगस्त को ट्रेड एक्सपेंसेस चुकाए हैं, तो सेम वही यहाँ पर भी नियम लागू होगा, एक्सपेंसेस है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड इन कैश 1,000 से। 20 अगस्त को एंट्री होगी यहाँ पर गुप्ता ट्रेडर्स को हमने कुछ माल बेचा था, अब उनसे हमको पैसे मिल रहे हैं, तो क्योंकि पैसे हमारे पास आ रहे हैं इसलिए हम जनरल एंट्री यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिसेस गुप्ता ट्रेडर्स। और 22 अगस्त को क्योंकि हेमा से हमने जो गुड्स परचेस किया था उसमें से कुछ हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेस रिटर्न माना जाएगा, और जब हम परचेस रिटर्न करेंगे तो हमारे पास जो परचेस किया गया गुड्स था वो कम हो जाता है, इसलिए हम परचेस रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और किसको हम रिटर्न कर रहे हैं, हेमा ट्रेडर्स को, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। 23 अगस्त को हेमा ट्रेडर्स को हम कुछ कैश पे कर रहे हैं, तो हेमा ट्रेडर्स डेबिट और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। 25 अगस्त को पोस्टेज एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 30 अगस्त को हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये भी एक्सपेंस है, तो यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये जनरल का हम टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा हमारा 3,57,100, और यहाँ पर हम जनरल एंट्री को क्लोज कर देंगे, और अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी खाते हैं जो बनाने चाहिए। हालांकि जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जितने भी खाते एंट्रीज में प्रभावित हो रहे हैं वो सारे लेजर पोस्टिंग में बनते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैश से रिलेटेड एंट्रीज कौन कौन सी थी
और उसकी पोस्टिंग हम कैश अकाउंट में कर लेंगे। तो सबसे पहली एंट्री दिख रही है हमको कैश अकाउंट की 1 अगस्त को, जहां पे जनरल एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 1,10,000। उसके बाद 2 अगस्त को जब हमने बैंक में पैसे जमा किए, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री दिख रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमको फोकस करना है कैश अकाउंट पे कि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम अपोजिट पोस्टिंग करेंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम अपोजिट पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो रही है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 50,000। नेक्स्ट 3 अगस्त को देख रहे हैं हमने फर्नीचर परचेस किया है, यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। उसके बाद सीधे 7 अगस्त की जो एंट्री है वहां पर परचेस प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ जनरल एंट्री हुई है हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 30,000। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 अगस्त को एक कैश सेल हुआ है, जिसमें हमने जनरल एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 30,000। उसके बाद हम देख रहे हैं 16th को हमने रेंट पे किया है, तो यहाँ हमने जनरल एंट्री की है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 4,000। फिर 18 अगस्त को हम देख रहे हैं ट्रेड एक्सपेंस हमने पे किया है, यहाँ हमने एंट्री की है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर से कैश अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1,000। उसके बाद 20 अगस्त को गुप्ता ट्रेडर्स से हमने रिसीव किया है 12,000। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू मिसेस गुप्ता ट्रेडर्स। तो क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू मिसेस गुप्ता ट्रेडर्स 12,000। और फिर हम देख रहे हैं 23 अगस्त को हेमा ट्रेडर्स को हमने पे किया है, तो यहाँ हमारी एंट्री हुई है हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय हेमा ट्रेडर्स 40,000। 25 अगस्त को हम देख रहे हैं जो एंट्री हुई है पोस्टेज स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर भी क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पोस्टेज स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट 100। और 30 अगस्त को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 4,000। और इस प्रकार से हमारा कैश अकाउंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि अब ये कैश अकाउंट है तो इसका डेबिट टोटल ही ज्यादा होगा। यहाँ जब हम टोटल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट का जो डेबिट टोटल है वो है 1,52,000। तो 1,52,000 में से जो टोटल है क्रेडिट साइड का, वो पूरा का पूरा जब हम माइनस कर देंगे, तो 31 अगस्त को हमारे पास बैलेंस बचेगा 2,900, जिसको कि हम यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैलेंस सीडी 2,900। और कैश अकाउंट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये जो 2,900 का बैलेंस है, इसको हम 1 सितंबर को ओपनिंग बैलेंस के रूप में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस बीडी 2,900। तो ये हमने कैश अकाउंट बनाया। अब हम इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे अकाउंट, चाहे कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट है, रेंट है, ट्रेड एक्सपेंस है, बहुत सारे अकाउंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसमें परचेस अकाउंट। परचेस से रिलेटेड जो एंट्री है उनको हम टिक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसके जनरल एंट्री देखते हैं। जब हम परचेस अकाउंट बनाएंगे तो हमको फोकस करना है कि परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि 7 अगस्त को परचेस अकाउंट की एंट्री हुई है और यहाँ पर जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरली परचेस अकाउंट आपको डेबिट ही मिलेगा, क्योंकि जब भी हम परचेस करते हैं, चाहे वो कैश परचेस हो चाहे वो क्रेडिट परचेस हो, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है।
कुछ एक कंडीशन में जब हम गुड्स विड्रॉल करते हैं तब क्योंकि परचेस किया गया गुड्स हमारा कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, उस टाइप की कंडीशन में हमको ध्यान रखना है, या नहीं तो फिर मोस्टली जो होगा परचेस अकाउंट वो डेबिट ही होगा। तो 7 अगस्त की जो हमारी एंट्री होगी वहां पर क्योंकि जनरल एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 30,000। और फिर 8 अगस्त को हम देख रहे हैं फिर से हमने एक परचेस किया है मिसेस हेमा ट्रेडर्स से, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस हेमा ट्रेडर्स, तो यहाँ हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू मिसेस हेमा ट्रेडर्स लिखेंगे, 42,000 से इसकी एंट्री करेंगे। और परचेस की कोई भी एंट्री नहीं है पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पर हम टोटल जो इसका है 72,000 से उससे हम परचेस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और ये पूरा का पूरा टोटल क्योंकि परचेस है डायरेक्ट है ये, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और 31 अगस्त को हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट और 72,000 से ट्रांसफर करके हम इसको क्लोज कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम सेल्स अकाउंट बना लेंगे। अब सेल्स में हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 10 अगस्त को है एक कैश सेल है जिसमें हमने जनरल एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 30,000। उसके बाद 14 अगस्त को सेल्स अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है जबकि हमने मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स से माल खरीदा था, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई है मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 12,000 और 42,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। और डेबिट में हम इसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट और 42,000 से इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे।